Bien. Ya. क्या आपको फुल स्क्रीन नजर आ रही है ये? हाँ जी सर, आ रही है। यस ठीक ठीक तो लास्ट टाइम बेटा आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में हमने फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड स्टडी किया था, आज हम करेंगे मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन मेथड। ठीक है, मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन मेथड में जो फॉर्मूला यूज होगा वो है W इज इक्वल टू, ये कॉपी में नोट कर लो, W इज इक्वल टू 0.03 M डिवाइडेड बाय N। W इज इक्वल टू 0.03 M डिवाइडेड बाय N। W इज द परसेंटेज ऑफ वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस। एडजस्टिंग सब्सटेंस मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था सोडियम क्लोराइड होगा या डेक्सट्रोज होगा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस। M इज द ग्राम मॉलिकुलर वेट ऑफ द सब्सटेंस। अब हम ग्राम मॉलिकुलर वेट लेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट मेथड नहीं कर रहे, ग्राम मॉलिकुलर वेट मेथड कर रहे। एंड N इज द नंबर ऑफ आयंस इनटू विच द सब्सटेंस इज आयोनाइज्ड। N का मतलब है कि जैसे सोडियम क्लोराइड आपने पानी में डाला तो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड जो है दो हिस्सों में बट जाएगा, सोडियम में और क्लोराइड में। तो नंबर ऑफ आयंस कितने बने, टू, नंबर ऑफ आयंस इनटू विच सब्सटेंस इज आयोनाइज्ड। तो नंबर ऑफ सब्सटेंस बने, नंबर ऑफ आयंस बने टू, सोडियम क्लोराइड के केस में टू बने। अगर हम डेक्सट्रोज डालते हैं तो डेक्सट्रोज जो है अनआयोनाइज्ड रहता है, आयोनाइज नहीं होता है। C6H12O6 है इसका फॉर्मूला, तो ये आयोनाइज नहीं होगा। डेक्सट्रोज के केस में N की वैल्यू 1 रहेगी और सोडियम क्लोराइड के केस में N की वैल्यू हो जाएगी 2। सो नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो है फाइंड द कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ सोल्यूशन आइसोऑस्मोटिक विद ब्लड प्लाज्मा। फाइंड द कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सोल्यूशन आइसोटोनिक विद ब्लड प्लाज्मा। हमने पानी में सोडियम क्लोराइड डालना है और आइसोटोनिक सोल्यूशन बनाना है, तो इसका जो मॉलिकुलर वेट है इसका जो मॉलिकुलर वेट है सोडियम क्लोराइड का वो है 58.5, आपको पता है ये। और सोडियम क्लोराइड के नंबर ऑफ आयंस कितने प्रोड्यूस होगा, ये टू, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। फॉर्मूला हमने ये लगाना है, W इज इक्वल टू 0.03 M डिवाइडेड बाय N। W इज द परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ द एडजस्टिंग सब्सटेंस, ये आपने ऊपर लिखा हुआ ये रहा 58, सॉरी परसेंटेज ग्राम मोलिकुलर वेट ऊपर लिखा हुआ है, परसेंटेज हमने कैलकुलेट करनी है, W हमने कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है। M की वैल्यू लिखी हुई है, N जो है इट इज 2, तो आपने सभी वैल्यूज फिल की, 0.03, 0.03 मल्टीप्लाइड बाई 58.5 इज M,
डिवाइडेड बाय एन दैट इज इक्वल टू टू। इसका जो आप आंसर कैलकुलेट करोगे इट विल बी 0.88 ग्राम पर 100 ml। परसेंटेज है ना, परसेंटेज का मतलब है पर 100 ml। इसका मतलब ये है कि 0.88 ग्राम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज आइसोटोनिक विद द ब्लड। और राउंड फिगर कर दें इसको तो हम 0.9% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज आइसोटोनिक विद द ब्लड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ डेक्सट्रोज नीडेड टू फॉर्म अ सॉल्यूशन आइसो ऑस्मोटिक विद ब्लड प्लाज्मा। इस केस में मॉलिकुलर वेट डेक्सट्रोज का है 180, C6H12O6 आप कैलकुलेट करोगे तो 180 आएगा। और मैंने आपको बताया था कि नॉन आयोनाइजिंग है ये, नॉन आयोनाइजिंग। इसका मतलब ये कि n की वैल्यू 1 रहेगी। जो इसका अब हमने फॉर्मूला लगाना है 0.03 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय m डिवाइडेड बाय n, ये इसका फार्मूला है। w m की वैल्यू 180 है, n की वैल्यू 1 है, तो w की जो आंसर आएगा इज इक्वल टू 0.03 मल्टीप्लाइड बाय 180 एंड w विल बी इक्वल टू 5.4 ग्राम पर 100 ml परसेंट। सो 5% सॉल्यूशन, इसलिए हम 5% सॉल्यूशन डेक्सट्रोज का लेते हैं विच इज कंसीडर्ड टू बी आइसोटोनिक विद द ब्लड। नेक्स्ट है पोसोलॉजी। पोसोलॉजी क्या है कि डोज, किसी पेशेंट को डोज कितनी देनी है। इट इज अ साइंस ऑफ मेडिकल मेडिसिन विच डील्स विद कैलकुलेशन ऑफ डोज। अभी हम खाली डिफरेंट फार्मूलाज करेंगे डोज कैलकुलेशन के। जो फैक्टर्स हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं डोज कैलकुलेशन में, वो हम फैक्टर्स नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि चाइल्ड की डोज हमने कैलकुलेट करनी होती है। चाइल्ड की डोज कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है यंग्स फार्मूला। सो चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज ऑफ द चाइल्ड इन ईयर, एज ऑफ द चाइल्ड इन ईयर मल्टीप्लाइड बाय अडल्ट डोज होल डिवाइडेड बाय एज प्लस 12। इसमें हमें ये ख्याल रखना है कि जो एज है वो ईयर्स में है, ईयर्स, ठीक है। उसकी एज जैसे 6 ईयर है बच्चे की एज, या 7 ईयर है, या 5 ईयर है, तो उसकी डोज कितनी होगी। तो ये फार्मूला आप यूज कर सकते हो। दूसरा है फ्राइड्स फार्मूला। फ्राइड्स फार्मूला में क्या है, उसकी एज जो है वो मंथ में है, एज इज इन मंथ, 6 ईयर्स, 6 ईयर्स, 5 ईयर्स, तो अपने मंथ में कैलकुलेट कर लेनी है। 5 ईयर्स इज इक्वल टू 60 मंथ्स डिवाइडेड बाय 150 इंटू एडल्ट डोज। तो ये आपका फ्राइड्स फार्मूला है। नेक्स्ट है डिलिंग्स फार्मूला। डिलिंग्स फार्मूला जो है इट इज अगेन इन एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज। देन प्रोपोर्शन टू बॉडी वेट, प्रोपोर्शन टू बॉडी वेट इन पाउंड्स, पाउंड्स में कितना है बॉडी वेट। सो डोज फॉर द चाइल्ड इज इक्वल टू वेट ऑफ द चाइल्ड डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय अडल्ट डोज। ये जो है प्रोपोर्शन टू बॉडी वेट, ये 150 से हमने इसलिए डिवाइड किया है, 150 पाउंड्स है ये, पाउंड्स। तो वेट ऑफ द चाइल्ड हमने पाउंड्स में लेना है, इसमें केजी में नहीं लेना, वेट हमने पाउंड में लेना। देन प्रोपोर्शन टू बॉडी सरफेस एरिया, बॉडी सरफेस एरिया कि उसका बॉडी का सरफेस एरिया कितना है। तो सरफेस एरिया ऑफ द चाइल्ड डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ द एडल्ट मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज। सरफेस एरिया जो है, एवरेज सरफेस एरिया एडल्ट का हम मान के चलते हैं 1.73 मीटर स्क्वेयर।
सरफेस एरिया ऑफ एडल्ट 1.73 मीटर स्क्वेयर। ये जो सरफेस एरिया हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी पेशेंट का, ये हम उसकी हाइट, विथ और बॉडी वेट तीन फैक्टर लेके करते हैं। उसकी हाइट कितनी है, उसकी विथ कितनी है और उसका बॉडी वेट कितना है, उसके हिसाब से हम फिर कैलकुलेट करते हैं उसका सरफेस एरिया। सो डोज ऑफ चाइल्ड इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड डिवाइडेड बाय 1.73 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज। यंग्स फॉर्मूला पे जो बेस्ड है क्वेश्चन, ये आप नोट करो अपनी कॉपी में। व्हाट विल बी द डोज फॉर ए चाइल्ड ऑफ 3 इयर्स इफ द एडल्ट डोज ऑफ ड्रग इज 500 मिलीग्राम। इसमें उस बच्चे की एज भी दी हुई है, 3 साल 3 इयर्स एज है, एडल्ट डोज 500 दी हुई है और यंग्स फार्मूला आपने लगाना है इसमें। सो डोज ऑफ द चाइल्ड इज इक्वल टू एज में आपने 3 इयर्स भर देना है, इस एज में 3 इयर्स भर देना है और इस एज में भी 3 इयर्स भर देना है। तो यू विल गेट 3 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 500। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 500 इज इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाई 3 + 2 जो है ये 15 आ गया, डिवाइडेड बाई 15। सो 1500 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 100 mg। तो जो 3 साल का बच्चा है उसकी डोज 100 मिलीग्राम होगी अगर एडल्ट डोज 500 mg है। सेकेंड एग्जाम्पल है 5 इयर्स का, डोज जो है सॉरी एज जो है 5 इयर्स है और डोज उसकी है 100 mg। तो एक फॉर्मूला में आपने एज भर देना है 5 इयर्स, यहाँ भी नीचे भी इधर भी 5 इयर्स प्लस 12 और एडल्ट डोज की जगह आपने 100 लिख देना है। सो इट विल बी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 17। तो इसका 500 डिवाइडेड बाय 17 आंसर आ गया, 500 डिवाइडेड बाय 17। तो इसका जो आंसर है 30 नहीं होगा, थोड़ा कुछ और आंसर आएगा, चेक करना है इसका आंसर क्या है और मुझे बताना, ठीक है। अब है डिलिंग्स फॉर्मूला। Dose for a child boy of 16 years age when the dose is 100 mg. So 16, age in years is 16 और नीचे जो डिवाइड करना है आपने 20 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाइड बाय 100। सो आंसर विल बी 80 mg, 80 मिलीग्राम। तो अगर एडल्ट डोज 100 मिलीग्राम है तो डिलिंग्स फॉर्मूला के हिसाब से 16 साल के बच्चे की जो डोज होगी वो 80 मिलीग्राम होगी। देन फ्राइड्स फॉर्मूला के हिसाब से हम देखते हैं, एक दैट इज एज इन मंथ्स डिवाइडेड बाय 180 इनटू एडल्ट डोज। 6 महीने का बच्चा है, 6 मंथ्स, तो यहां 6 आ गया, 6 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय 500, तो ये आ जाएगा 3000 डिवाइडेड बाय 150। सो आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट द आंसर। उसके बाद 9 मंथ ओल्ड इन्फेंट व्हेन एडल्ट डोज इज 100 mg। सो 9 मंथ है तो 9 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो
द डोज विल बी 6 mg. देन प्रोपोर्शनेट टू द बॉडी वेट, प्रोपोर्शनेट टू द बॉडी वेट when the weight is in pounds, then proportional to body surface area, ये हम कर चुके हैं, इसका एक example कर लेते हैं. Calculate the dose for a child that has a body surface area of 0.57 meter square when the adult dose is 500 mg. Surface area के base पर है, तो आपने surface area वाला formula लगाना है इसमें. 0.57 चाइल्ड का सरफेस एरिया है और एडल्ट का सरफेस एरिया 1.73 मल्टीप्लाइड बाय 500. 0.57 मल्टीप्लाइड बाय 500 डिवाइडेड बाय 1.73, इसका जो आंसर आएगा आपका 165 मिलीग्राम इसका आंसर आ जाएगा. So with this, we finish the chapter of prescription.